थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स जहाँ पर हमारा कैरेक्टर एक्शन करते हुए दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से। ये जो अभी हम लोगों ने देखे ये है मोबाइल डिवाइसेस पर मौजूद सबसे बेस्ट वाले 30 थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स जिनके बारे में आज हम लोग बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए शुरुआत करते हैं स्टोरी वाले शूटिंग गेम से, जहां पहला गेम है स्लॉटर द लॉस्ट आउटपोस्ट। इस वाले गेम के अंदर हम अपने आप को एक प्रिजन के अंदर कैद पाते हैं। अब ये कोई आम प्रिजन नहीं है, यहाँ पर प्रिजनर्स के ऊपर कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिनकी वजह से वो म्यूटेंट्स जैसे बन गए हैं। अब हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी तो एक दिन वो सारे कैदी रिहा हो जाते हैं। अब जेल के अंदर हम लोग कैद हो चुके हैं। अब यहाँ से जिंदा बच करके निकलने के लिए हमें एस्केप प्लान करना है। फिर क्या, हमारे हाथ में जो हथियार मिलता है उसको लेकर के उन सारे प्रिजनर्स को हम लोग काट डालते हैं। स्लॉटर सीरीज फेमस है अपने एक्शन के लिए, जिनके पार्ट 1, 2 और 3 तीनों को ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं। रही बात नेक्स्ट गेम की, तो वो है कवर फायर। ये वाला गेम वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन शूटिंग गेम माना जाता है, जहाँ पर हम लोग अलग अलग लोकेशंस पर जाकर के एक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेन के ऊपर, तो अंडरग्राउंड सीवेज एरियाज में ढेर सारे एनिमीज आते हैं, उन सभी को मार डालते हैं, अपनी टीम को लीड करते हैं और सभी साथियों को जिंदा सही सलामत पहुँचाते हैं। गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं, सिनेमैटिक कटसीन्स देखने के लिए मिल जाते हैं और गेम ऑफलाइन है। वहीं एक काफी पॉपुलर गेम है मैक्स पेन मोबाइल। आखिर मैक्स पेन सीरीज को कौन नहीं जानता। यहाँ पर हम लोग को एक पति पत्नी के बीच की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया जाता है। अब उसे बचाने के लिए हमारा योद्धा ना दिन देखता है ना रात निकल पड़ता है सभी को मारने के लिए। अब क्या वो उसे बचा पाता है या फिर नहीं, वो तो उस गेम को खेल करके ही पता लगेगा। रही बात फोर्थ गेम की, तो वो है कवर मी। जैसा कि गेम के नाम से ही पता लग जाता है, यहाँ पर हम लोग को कवर लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। यहाँ पर डायनेमिक बैटल्स देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर स्ट्रेटजीज को फॉर्म करना होता है। सामने से अगर कोई अपोनेंट आ रहा है तो हमें छुपना है और परफेक्ट टाइमिंग पर हेडशॉट ले लेना है। इस गेम के अंदर आप लोगों को ढेरों मिशंस कंप्लीट करने के लिए मिल जाएंगे विद मल्टीपल गेम मोड्स। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बात करते हैं 334 रमी के बारे में, जहां पर आप लोगों को ढेर सारे गेम्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिनकी मदद से कॉइंस लेते हैं। सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा, तो मैं सिंपली लॉगिन के बटन पर क्लिक करके कर लेता हूं। और जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, बहुत सारे टाइप के गेम्स हैं, जिनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है ड्रैगन वर्सेस टाइगर। उससे पहले यहां पर मैं डिपॉजिट कर लेता हूं। ये देखिए, ऊपर जाकर के मैंने डिपॉजिट कर लिया और अपना फेवरेट गेम को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोग को सिलेक्ट करना होता है कि हम किस साइड जाएंगे, ड्रैगन या फिर टाइगर। तो मैं फर्स्टली ड्रैगन की साइड जाने वाला हूं और थोड़ा सा वेट करना होता है। ये देखिए गाइस, बूम, अब जो भी अमाउंट हम लोग जीत चुके हैं उसको हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ सेक्शन पे जाते हैं, वहां पर अमाउंट वगैरह डालते हैं और अपने बैंक डिटेल्स डाल करके उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर में हमारा विड्रॉल हो चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पिन फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप लोग अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो। सो चाहिए किस चीज का वेट करो, ट्राई करो, लिंक्स आप लोगों को मिल जाएंगे पिन कमेंट में। अच्छा, ऐसे खेलों में विद्या जोखिम के तत्व शामिल होते हैं जिनकी लत लग सकती है, तो कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें, वो भी 18 के बाद। बाकी लिंक्स आप लोगों को मिल जाएंगे पिन कमेंट में। और असली फन चाहिए तो मिलाता हूँ वॉल ऑफ इंसैनिटी गेम से। इस वाले गेम के अंदर हम एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं, जिसको सबसे मुश्किल मिशन पर भेजा जाता है। उस टाइम पहले की बात थी जब एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उस टास्क फोर्स को एक रहस्यमय जगह पर भेजा गया था असली सच का पता लगाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पूरी यूनिट गायब हो जाती है। आखिर वो यूनिट गई कहाँ, उनके साथ में क्या हुआ, यही हमें पता लगाना है। जैसे जैसे गेम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें नए नए रहस्यों का पता लगता है और हम जानते हैं कि ये चीजें जितनी छोटी थी उतनी छोटी एक्चुअली में नहीं है। आखिर कौन कौन इन्वॉल्व है, असली सच क्या है, वो तो गेम खेल करके ही आप लोग जान जाएंगे। चलिए गैर फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जो है माइंड सेल। इस वाले गेम के अंदर इंसानों के ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी AI सभी को उनके अंदर फिट किया जाता है। ऐसे ही एक दिन हमारे ऊपर हो रहा था। हम उठ करके देखते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं इस सेल के अंदर कर क्या रहा हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये सब इलीगल है, हम वहाँ से बच करके निकलने की कोशिश करते हैं। यानी इस गेम के अंदर आप लोगों को पजल सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगी, एस्केप प्लान करते हैं और तगड़ा एक्शन करने के लिए मिलता है। एक्शन से याद आया ATSS 2। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कैंपेन शूटिंग गेम है, जहां पर हम लोग एक प्लेन से लैंड करते हैं। लैंड करते ही हम लोगों को सामने कुछ एनिमीज मिलते हैं, उन एनिमीज को मारते हैं, दुश्मन की टेरिटरी में घुसते हैं, सभी एनिमीज को हराते हैं और अपना झंडा वहां पर लहराते हैं। यहां पर सिनेमैटिक कटसीन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हम लोग दुश्मन की गाड़ियों में बैठ के आगे जाते हैं, अपनी टोली बनाते हैं और ऐसा करते करते अपनी सारी टोलियों को बचा करके ले आते हैं। ऐसे ही कुछ बोनस गेम भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जैसे फोबोस 2089 एंड हीरो हंटर्स। चलिए खैर, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है वॉर बेस्ड थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स, जहाँ पर हम लोग को जंग लड़नी पड़ती है। जैसे पहला गेम है ब्रदर्स इन आर्म्स 3। यारो, मैं पर्सनली आपको गेम रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं गेम्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर वो आपकी चॉइस है कि गेम ट्राई करना है या नहीं। लेकिन इस केस में क्या है, मैं इस गेम को रिकमेंड करने वाला हूँ।
ब्रदर्स इन आर्म्स एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी है जहां पर तगड़ा कॉम्बैट, प्यारे मिशंस एंड बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है। सो अगर आपने अभी तक इन्हें ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली प्ले कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारी वीडियो का नेक्स्ट गेम हरिकेन 2 ऑनलाइन। यहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर होना क्या होता है वो ये गेम हमें सिखाने की कोशिश करता है। मल्टीपल टाइप ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स आप लोग को चलाने के लिए मिल जाएंगे। मिलिट्री वेपन्स हम लोग यूज कर पाते हैं और अपनी पूरी आर्मी को ट्रेन करते हैं। ऑफिसर्स हमें सिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। रही बात थर्ड गेम की तो वो है नोबलमैन 1986। इस गेम के अंदर हम लोग को वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस और 1986 की फोर्स के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। अब वहां पर जो जंगें लड़ी गई थी उनके अंदर क्या रियलिटी थी वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर उसे कंट्रोल करने का मौका मिल जाए तो जी हाँ, इस गेम के अंदर आप एक अल्टरनेट रियलिटी बना सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग फाइट करेंगे, जंग का निर्णय आप ही तय करने वाले हैं। और अगर एक बोनस गेम की बातें करनी हो तो आप ट्राई कर सकते हैं वॉरहैमर 40,000। इसी के साथ ही ये कैटेगरी होती है समाप्त और नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाने से पहले आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूँ। आप लोगों के दिमाग में मेरी लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी का आंसर करने वाला हूँ एक Q&A वीडियो में जो आने वाली है नए साल पर। अब उसमें आपका क्वेश्चन आएगा, इसकी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। जल्दी से जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहां पर क्वेश्चंस पूछिए। मेजॉरिटी सभी को मैं रिप्लाई करता हूं और उसी में से कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट करके Q&A वीडियो के अंदर डालने वाला हूं। कहां वेट क्यों कर रहे हो भाई, जल्दी से आओ पूछो, आपके क्वेश्चंस मुझे जानने हैं। लिंक्स मिल जाएंगे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। रही बात नेक्स्ट कैटेगरी की तो वो है मल्टीप्लेयर थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स, यानी जहाँ पर हम अकेले नहीं बल्कि दोस्तों के साथ में मिलकर के लड़ने वाले हैं। जहाँ पहला गेम निकल करके आता है स्टार वॉर हंटर्स। यहाँ पर स्टार वॉर यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपस में फाइट करने वाले हैं अपनी ही वेपन्स और पावर्स का यूज करते हुए। जैसे हमारे पास में उनकी जो तलवार होती है जिसे लाइट सेबर बोलते हैं उसका हम लोग यूज करने वाले हैं, और वो सामने वाले जो होते हैं ना वो रेड वाली, काफी मजा आता है। ऐसे ही हमारी वीडियो का नेक्स्ट गेम है रेज इफेक्ट मोबाइल, जो कि एक शूटिंग गेम है। लेकिन ये गेम खास क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया इंस्पायर्ड मैप्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। प्रॉपर इंडियन लोकेशंस है, ऑटो रिक्शा खड़ी हुई है, यहाँ पर जायरो सपोर्ट मिल जाता है, तो बहुत ही तगड़ा मैकेनिक्स लगता है गेम का। फास्ट पेस एक्शन करने के लिए मिल जाता है। इंडिया की गलियों से निकल करके दुश्मनों को ढूंढना, दुश्मन नहीं है वो, इन रियलिटी आप ही के दोस्त हैं, जहां पांच लोग हमारी तरफ से पांच लोग दुश्मन की टीम में आते हैं और उनको हमें मारना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है नेक्स्ट गेम लॉस्ट लाइट, जिसके अंदर आप लोगों को कैंपेन मिशंस करने के लिए मिल जाते हैं और मल्टीप्लेयर का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी सभी साथ में मिलकर के उन स्टोरी मिशंस को कंप्लीट करते हैं। टैक्टिकल फाइट्स भी होती हैं और लॉस्ट लाइट गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छी है। इस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि शायद ये कुछ रीजंस के अंदर बैंड है। चलिए खैर, हमें क्या, मैं आपको बताता हूँ कुछ बोनस गेम जो है प्रोटेक्टर शूटर लेजेंड्स, E3 अरेना एंड कॉम्पीट। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है ज़ॉम्बी बेस्ड थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स। यानी यहाँ पर समझ गए होंगे हम लोग इंसान हैं लेकिन सामना ज़ॉम्बीज का करने वाले। फर्स्ट गेम निकल करके आता है लेफ्ट टू सर्वाइव। आखिर इस गेम के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, यहाँ पर आपको ढेर सारे स्टोरी मिशंस करने के लिए मिल जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर कैरेक्टर वेपन कस्टमाइजेशंस है, यानी अपनी वेपन्स को अपग्रेड करना नई जरूरतों के अनुसार। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर बड़े बड़े क्रिएचर्स और बहुत खतरनाक बॉस फाइट्स भी लड़ने के लिए मिल जाएंगे। इन सभी से ऊपर पता है क्या, इस गेम के विजुअल्स एंड ग्राफिक्स जो आपको किसी कॉन्सोल या फिर पीसी गेम की याद दिला देंगे। आखिर एक्चुअली में ये एक पीसी गेम भी है, इसको आप अपने कंप्यूटर पर भी खेल सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट गेम की जो है ज़ॉम्बी सीज सर्वाइवल। ये पुराने गेम जितना रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को तगड़ी ज़ॉम्बी फाइट्स करने के लिए मिल जाया करती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि यहाँ पर बहुत प्यारी वेपन्स हैं, तो उनको एक साथ चलाने में मजा आता है। लाइक धड़ 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 ज़ॉम्बीज आ रहे हैं और हम उनका गला काटते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी वीडियो का ज़ॉम्बी हंटर गेम जो काफी फेमस है अपनी ऑफलाइन स्टोरी कैंपेन्स के लिए। यहाँ पर भी आप लोग को एक्शन करने के लिए मिल जाता है, ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए मिलती है, लेकिन जो स्टोरी है वो आपको याद रहने वाली है। यानी कि जो मिशंस दिए जाते हैं, शुरुआत में वेपन उठाने के लिए बोला जाएगा, फिर उस वेपन से कुछ एनिमीज को मारने के लिए बोला जाएगा, फिर अचानक से वो एनिमीज बढ़ते चले जाएंगे और जो स्टार्टिंग में इजी लग रहा था वो आगे मुश्किल होता चला जाता है। रही बात कुछ ऑनरेबल मेंशंस की तो वो है वोरस एंड टोटल असॉल्ट। इसी के साथ ही ज़ॉम्बी शूटिंग कैटेगरी होती है समाप्त और हम जाने वाले हैं साइंस फिक्शन शूटिंग कैटेगरी की ओर, जहाँ पर पहला गेम है एशफॉल। एशफॉल एक कॉन्सोल टाइटल है जिसको आप अपने पीसीज पर भी खेल सकते हैं, और रही बात स्मार्टफोन्स की तो यहाँ भी खेलने में पूरा मजा आता है। लाल गेम लॉन्च भले ही ना हुआ हो लेकिन इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। भविष्य में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है और परमाणु हथियार गिरने की वजह से यह दुनिया रहने लायक नहीं रहती। चारों तरफ अजीब से क्रिएचर्स आ जाते हैं रेडिएशन की वजह से, वहां पर हमें जिंदा रहना है तो तगड़ा एक्शन करने के लिए मिल जाता है। इससे बिल्कुल विपरीत है स्नो ब्रेक कंटेनमेंट जोन, जहां पर हमें क्यूट क्यूट सी एनिमल स्टाइल कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाती है। अब वो प्यारी लड़कियां अपने से 100 गुना बड़े साइज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट से फाइट करती है।
जी हाँ, यहाँ पर आप लोग को मशीनों की और इंसानों के बीच की लड़ाई देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पर क्यूट क्यूट लड़कियां लड़ती हैं। ऐसे ही बिल्कुल नेक्स्ट गेम है अर्थ रिवाइवल, जहाँ पर हमारी दुनिया को रिवाइव करने के लिए प्रोग्राम रखा जाता है। होता क्या है कि दुनिया की सारी रिसोर्सेज धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं और ये दुनिया ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी। अब उस प्रोग्राम के चलते हम यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। अब क्या उसमें कामयाब होते हैं या नहीं, वो तो गेम खेल करके ही पता लगेगा। लेकिन इस गेम के अंदर आप लोग गाड़ियां वगैरह चला सकते हैं, बाइक्स चला सकते हैं, तगड़ा एक्शन कर सकते हैं और बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी वीडियो का वंस ह्यूमन गेम, जहां पर इंसानी सभ्यता एक मिनरल, एक रिसोर्स की तलाश में जुट जाती है। अब उस रिसोर्स को ढूंढते ढूंढते, जमीन से हासिल करते करते आपस में ही जंगें छिड़ जाती है। उस जंग का ही पार्ट बन जाते हैं हम, जहां पर खतरनाक क्रिएचर्स, मॉन्स्टर्स, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, जिनसे हमारी लड़ाइयां होती हैं। ऐसे ही एक ऑनरेबल मेंशन भी है, इवोल्यूशन 2। चलिए खैर, हमें क्या, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन को करते हैं प्रेस, ताकि प्रोटेक चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो आए आपको जल्दी से मिल जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है वाइल्ड वेस्ट काउबॉय स्टाइल शूटिंग गेम्स, जिनमें पहला गेम निकल करके आता है डर्टी रिवॉल्वर। आप में से मेजॉरिटी लोगों ने रेड डेड रिडेम्पशन सीरीज के बारे में सुना ही होगा, उनमें से कुछ नहीं तो गेम को खेला भी होगा। बस वही वाला मजा ये गेम आपको देने की कोशिश करता है, कम साइज में, जहां गेम ऑफलाइन भी है। घुड़ सवारी कर सकते हो, प्रॉपर वाइल्ड वेस्ट काउबॉय वाली फीलिंग आती है, जहां पर एक साथ सारे एनिमीज आते हैं और अपनी बैरेटास या फिर शॉटगन्स की मदद से उन्हें उड़ा डालते हैं। इसी के जैसा आप लोग एक और गेम ट्राई कर सकते हैं, जो है गन्स एट डॉन। यहां पर आपको मिल जाता है प्लेयर वर्सेस प्लेयर शूटिंग एक्सपीरियंस, यानी ऑनलाइन गेम है, वो दग गया है हमें और हमारे सामने आता है एक और अपोनेंट। हम लोगों को वेपन्स मिलती है इक्वल अमाउंट में। अब हमें करना क्या है, सामने वाले इंसान को मारना है इससे पहले कि वो हमें मार दे। जब वो शूट करेगा हम छुप जाएंगे, जब हम शूट करेंगे वो छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उस पर अटैक करना है। अटैक से मुझे याद आती है हमारी वीडियो की लास्ट कैटेगरी, जो है सर्वाइवल थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स, जहां पर हमारा पहला गेम है डेड वेस्टलैंड सर्वाइवल। यहां पर पूरी की पूरी दुनिया बंजर हो चुकी है, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता है, ना कोई इंसान है ना पानी की कोई बूंद है। अब ऐसी दुनिया में जिंदा रहना कितना मुश्किल होगा मुझे आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। रही बात हमारे अगले गेम की, तो वो है लॉस्ट फ्यूचर, जो कि एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया पर आधारित गेम है, जहां पर समझ गए होंगे दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ चुके हैं। अब लोगों को सर्वाइव करने के लिए आसपास के सराउंडिंग्स से चीजें लेकर के आनी है, शेल्टर तैयार करना है, वेपन्स क्रिएट करनी है, बट ये गेम उनसे थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पर क्राफ्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, कोर मैकेनिक्स गेम का बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचरिस्टिक गेम है तो ग्राफिक्स काफी तगड़ी देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर हम लोग व्हीकल्स को भी ड्राइव करते हैं। एंड लास्ट गेम है दी लास्ट सर्वाइवर, जो आप लोगों को दी लास्ट ऑफ अस की याद दिला देगी। यहाँ पर हमारी जो कैरेक्टर है वो जिंदा रहने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज आकर के उस पर अटैक करने लग जाते हैं, तो वो अपनी वेपन्स की मदद से उन्हें मारती है और आगे बढ़ती चली जाती है। सो मेरे भाइयों, कैसी लगी आप लोग हमारी आज की वीडियो, जहां पर इस वीडियो के अंदर हमने पैक करने की कोशिश करी है 30 से भी ज्यादा थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स। मुझे उम्मीद है आपको आपकी पसंद का गेम मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भविष्य में जरूर प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए प्रोटेक, मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।